हेलो दोस्तों, मैं करण सोन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए पैसे लगते हैं, तो इसी टॉपिक पे आज हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं गारंटी देता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय डाउटनेट ऐप। डाउटनेट एक एप्लीकेशन है जिसपे क्लास 6 टू 12 आईआईटी, जेईई, एनईटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने डाउट की फोटो क्लिक करनी होगी और आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यह प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा, उस पर लिखा था कि क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए कितने पैसे लिए जाते हैं। तो किसी ने रिप्लाई में लिखा था 10 लाख, किसी ने 15 लाख। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लें। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप बात कर लेते हैं पूरी डिटेल में, पैसा कहाँ लगता है और कैसे। दोस्तों, क्रिकेट में करप्शन है और करप्शन है निचले लेवल पर, क्योंकि रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट इतने हाइलाइटेड रहते हैं कि वहाँ पे पैसे देकर सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि नामुमकिन ही है। और एक और चीज़, बीसीसीआई कभी आपसे पैसे नहीं मांगती सिलेक्शन के लिए। आप पैसे देकर अपना सिलेक्शन कराना चाहते हो और अगर आप पकड़े गए तो आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाओगे और आप फिर कभी दोबारा प्रोफेशनली क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। जो लोग 10-15 लाख रुपए देकर अपना सिलेक्शन कराते हैं तो वह ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते या ज़्यादा देर तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और उनको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि परफॉर्मेंस वही कर सकता है जिसके अंदर जुनून होगा। आप ही लगा लो, इंडिया टीम में ज़्यादातर प्लेयर मिडिल लो बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे धोनी, जडेजा, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और भी बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पैसे कहाँ लगते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे नहीं लगेंगे। दोस्तों, अगर इंडिया टीम तक पहुँचना है तो आपको एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करनी होगी, उस पे पैसे लगेंगे और बहुत सारी बेसिक चीज़ें होंगी जिन पे आपको पैसों की ज़रूरत होगी। कुछ समय तक ही आपको पैसे लगेंगे, अप्रॉक्स महीने का सारा खर्चा शायद 1000 से 5000 के बीच में आएगा। दोस्तों, जिनको लगता है कि क्रिकेट में पैसे लगते हैं, आई होप उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बीसीसीआई कभी आपसे पैसे नहीं मांगते, जबकि वह आपको मैचेस खेलने के पैसे देती है। स्टेट प्लेयर्स को मैचेस खेलने के लाखों में पैसे दिए जाते हैं, जैसे इंडियन टीम के प्लेयर्स को दिए जाते हैं वैसे ही स्टेट लेवल के प्लेयर्स को भी दिए जाते हैं। तो यार, मेहनत करते जाओ, अपने दम पर सिलेक्शन पाओ, हार मत मानो। अगर एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो 100 बार ट्राई करो, एक ना एक दिन यह दुनिया आप पर गौर जरूर करेगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।